भी लो जी हम खड़े हो गए। बंद करो ये तमाशा, बहुत हो गया। अरोड़ा जी, आपकी बेटी को एक से एक बढ़कर दूल्हे मिल जाएंगे, ये बात तो साबित हो गई। पर मेरे बेटे को आपकी बेटी जैसी दुल्हन नहीं मिल सकती। आपने ये सब कुछ हमें समझा दिया है भाई। अरोड़ा जी, निम्बू जैसी लड़की मेरे घर की बहू बने, बस मैं इतना ही चाहता हूं। जाई जी, आपने आज साबित कर दिया कि आज भी चमत्कार होते हैं। देखिए काच ओरिजिनल है। हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिनल है। ओरिजिनल हाथ लगाइए, हाथ ओरिजिनल हाथ लगाइए, एकदम ओरिजिनल। इसमें से आप कोई भी पत्ता उठा लीजिए। देखा आपने? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे रखिए। आपको याद है पत्ता? हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट जी, हाँ जी। मैंने पत्ता नहीं देखा। ये लीजिए ताज। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा पता देखा है। आप अपनी लेफ्ट जेब चेक कीजिए। क्या यही है? ये पत्ता हो गया रे। अरे भैया, ये पंखा चलेगा नहीं क्या? गर्मी हो रही है। नहीं, मैं देखता हूं जी। क्या हो गया इसे? पता नहीं क्या हो गया। मैं ठीक करता हूं। अब ठीक है। कमाल है। कहते हैं ना, दो दिल बस जाए
तो सारा जहां बस जाता है। तो मैंने तो अरोड़ा जी को कह दिया कि जी आपकी बेटी हमारी बेटी, बस उसकी राजी खुशी शादी हो जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि शो की फीस भी नहीं चाहिए। सच में वीरा वाली ना होती तो ये शादी भी ना होती। एम लिख के बताया तो भीम जी बोला मुझे पता नहीं, उसने कहा एम फॉर मदर मतलब तुम्हारी माँ, तो कहता वेरी गुड। फिर मास्टर जी लिख दिया डब्ल्यू, बोला जरनैल सिंह तुम बताओ भाई। जरनैल सिंह है तो ये अफीम जी की माँ पर उसने शीर्षासन किया हुआ। मैं क्या जी आपको बैठकी में बुलाया, तुम चलो मैं आता हूँ अभी अर्जेंट है। एक्सक्यूज मी जी। भाई कमाल का कलाकार है ये, बिना लगता ना जीत चंद। हाँ भाई क्या बात है भाई, किस बात की बैठकी है? बात ऐसी है जी के शाही जी ने उस अरोड़ा से कह दिया कि हम लोग शो के पैसे नहीं लेंगे। पैसे नहीं लेंगे मतलब पैसे क्यों नहीं लेंगे? एक मिनट आया। धन्य धन्य है आप, ये अति कठिन कार्य आपने कर दिखाया। बाबा क्या कहूं, आपकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहन जी आप कुछ ढूंढ रही है? हाँ सबको ढूंढी, पता नहीं कहाँ गए सब। आपके बेटे बहू ना? हाँ। वो सब बैठकी में गए हैं। बैठकी में और मेरे बगैर? वैसे एक बात पूछूं बहन जी, बैठकी होती क्या चीज है? बैठकी वो होती है जहाँ बड़ी बड़ी परेशानियों को चाय पिलाई जाती है। अच्छा अच्छा हाँ, क्या बात है। मैं नहीं मानता भाई, दिल उनका पिघल जाता है, मुसीबत हमारी बढ़ जाती है, मतलब शो का हमें एक पैसा नहीं मिलेगा जी। अब क्या ये सही है? आई मीन शादी हो रही है तो क्या हलवाई पंडित और पंडाल वालों को पैसे नहीं मिलेंगे? तो फिर हमें क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये बात मानता हूँ मैं, इसकी कायदे की बात कर रही है, पैसे तो अपने को मिलने चाहिए। बस फिर ठीक है ना, पैरवी तू हमारी मैनेजर है ना, तू जा और अरोड़ा जी से जाके पैसे मांग ले, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं? मैनेजर तो ठीक है दीदी, पर सीनियर तो आप है ना? भाई अब इसमें सीनियर वाली बात कहाँ से आ गई है? अब आप बताओ, इन आदमियों के बैठे हुए हम औरतें जाके अरोड़ा जी से पैसे मांगे, ये अच्छा लगता है क्या है? क्यों इंदर? पर जाई, ये जो पैसे मांगने की बात होती है ना, वो पैसा मांगने के लिए आवाज बड़ी दमदार होनी चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज तो परजाई, परजाई मेरी आवाज में वो बात कहाँ परजाई? ओह, कौन सी बड़ी बात है जी, अगर शनिवार नहीं होता तो पैसे तो मैं ही मांग सकता था। शनिवार? हाँ वो क्या है ना, मैं शनिवार को ना पैसे लेता हूँ ना पैसे देता हूँ। झूठ, सुबह तो आपने मुझे 50 रुपए दिए थे। हाँ। अच्छा ऐसा है ना, ला फिर पैसे वापस। शनिवार है। और बंद करो ये बहानेबाजी, तुम सब लोग चाय जी से डरते हो लेकिन पैसे भी सबको चाहिए। तो भाई साहब सही है ना, हम सब चलते हैं बात कर लेते हैं, है ना? अच्छा हाँ, लेकिन जैसे कि चाय जी ने ऑलरेडी पैसा लेने के लिए मना कर रखा है, तो हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि अरोड़ा जी खुद आकर हमारे हाथ में पैसे रख दे। ओहो हीरो साहब, क्या हाल चाल है जरनैल सिंह जी? हाँ जी, लह पहलवान साहब भी आए नहीं, वाह वाह भाई, आपका शो बहुत बढ़िया था। हैं, और खाना मना खा लिया? खाना खा लिया जी। खाना तो बड़ा महंगा पड़ जाता होगा जी। उसकी बात मत करो जी, बात ही ना करें। मुझे शादी में हमें खर्चे तो बहुत होते होंगे ना, जैसे ये डेकोरेशन ले लीजिए, जहाँ हम सब लोगों ने मिलकर शो किया है, इस स्टेज बनाने के लिए तो खर्चा करना ही पड़ा होगा ना आपको। हाँ जी हाँ। क्या ना जी, हिसाब सब गिनने बैठेंगे ना मेरे तो होश ही उड़ जाएंगे। आपको बड़ी सी बात सुनाओ। अंकल जी आपको मेरा गाना कैसा लगा जी? मैं तो ये आपको वो गाना सुनाने वाला था, भाई नाच मेरी मैं ना तुझे पैसा मिलेगा। ना ना मैंने नहीं है, गाना ये है, नाच मेरी बुलबुल क्या तुझे पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। बुलबुल।
अच्छा तो जी फूलों की बात करते हैं जी, गेंदे के फूल। गेंदे के फूलों की यहां कोई कीमत ही नहीं है जी, लेकिन साइबेरिया जैसे देश में इसके मुंह मांगे दाम मिलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, फूल की पहचान उसकी खुशबू से ही होती है। और हाँ, इसी खुशबू का इत्र बनाकर लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं। हाँ देखो ना, आजकल लोग पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते। अब देखिए ना, कोई इत्र बनाता है, कोई खेल तमाशे करता है, पैसा कमाने के लिए। वही तो कह रहा हूँ जी, आजकल दुनिया में पैसा कमाने के लोग क्या क्या नहीं करते हैं। आजकल दुनिया में सब कुछ पैसा ही तो हो गया है। पैसा ही हो गया जी। पैसा ही हो गया जी। पैसा ही हो गया। वो क्या है ना कि पैसा आजकल बहुत महंगा हो गया है। पैसा महंगा हो गया है जी। आप सब लोग ना मस्ती की जीती जागती पाठशाला हैं। अरोरा जी, आपको तो मस्ती ही दिखती है, पैसे दिखते ही नहीं। मतलब? मतलब हमारे शो की फीस। लेकिन वो पेंजियां वीरा वाली जो उन्होंने। हाँ हाँ, चाय जी ने तो जुबान दी है, इसलिए हम आपसे पैसे मांग नहीं रहे हैं। क्या है कि हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि अगर आप खुद सामने से पैसे दे तो ही, वरना हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। जी हम आपसे पैसे मांग नहीं रहे हैं। आप सबके पैसे तो मैं कब से लेके घूम रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को पैसे दूं कैसे। आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है, ये पैसे तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आ लो जी पैसे। लो जी। सुना है चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए वो पकड़ा जाता है। लेकिन बड़ों की बात काट कर अपनी बात चलाने वालों की कोई निशानी नहीं होती, फिर उसे कैसे पकड़ा जाए। सो आप लोग ही बता दो कि किसने अरोरा से पैसे मांगे। बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं किसने पैसे मांगे। चोर की दाढ़ी में तिनका हो या ना हो, लेकिन पैसों को जुबान से ऊपर रखने वालों की निशानी जरूर होती है। उनके हाथों में सोने और कांच की चूड़ियां टकराती हैं। तूने अरोरा जी से पैसे क्यों मांगे? मैंने सोचा था कि परमीत से ब्याह करके तू बदल जाएगी, लेकिन एक गुजराती लड़की अपना बनियापन भूले तो कैसे। चाई जी, ये क्या कह रहे हो आप? जो कुछ हुआ है उसके लिए अकेली नहीं है जिम्मेदार, हम सब जिम्मेवार हैं। चाई जी, परजाई बिल्कुल सही कह रही है, अकेली पैरवी ने पैसों की मांग नहीं की थी, वो हम सबने मिलकर पैसों की मांग की थी। हाँ, लेकिन ये सोच का बीज तो इसी ने बोया था ना। क्यों है चाई जी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं।
और फिर जुबान देने से पहले हमसे एक बार पूछ तो लिया होता। नहीं पुत्र, तू ठीक कह रही। वो दिन आ गए जब कुछ कहने से पहले बड़ों को इजाजत ले लेनी चाहिए। सॉरी चाई जी। चाई जी, ये मैंने क्या कह दिया चाई जी से? क्या होगा? मैंने सोचा था कि पवन से प्यार करके तू बदल जाएगी, लेकिन एक गुजराती लड़की अपना बनियापन भूले तो कैसे? पैरवी, अब चुप कर, कब तक रोती रहेगी? क्या मतलब है दीदी, मैं गुजरात से हूं तो क्या हमेशा उनकी नजरों में अलग ही रहूंगी? चुप कर जाना। और चाई जी क्या कह रही थी? हाँ, कि मैं अपनी बनियागिरी कब छोड़ूंगी, इसका क्या मतलब है? मैं चाई जी की इज्जत करती हूँ, पर हम इस तरह से सोचना कब बंद करेंगे? गुजरात के लोग ऐसे होते हैं, महाराष्ट्र के वैसे होते हैं, बिहार के वैसे होते हैं, ये क्या है? चाई जी का ये कहने का मतलब नहीं रहा होगा पगली। अच्छा मुझे और एक बात बताओ, लोगों की वाह वाही से घर चलता है? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे इस घर की फिक्र है। हमें हमारी मेहनत का, हमारे हक का पैसा तो मिलना ही चाहिए ना। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने हमेशा यही सोचा है, घास अगर घोड़े से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? पैरवी, घास घोड़े से नहीं, घोड़ा कहाँ से होता है? क्यों जी? हाँ जी, पर जाई गुजराती है ना, इसीलिए हिंदी नहीं आती। नहीं ठीक है, अब तक सिर्फ चाई जी को मेरी गलतियां दिखाई दे रही थी, अब आप सबको भी दिखाई देती है। देखो मैं जाकर खुद चाय जी से बात करता हूँ, भला ये कोई बात होती है? इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने भैरवी को इतनी चुभने वाली बात बोल दी। मैं जाता हूँ। नहीं रुको तुम, ये मेरी और चाय जी की आपस की बात है, हम लोग खुद निपट लेंगे। मैं पूछूंगी उनसे कि क्या वो पहले से ही मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं या इस घटना के बाद सोचने लगे हैं। बोल जो बोलना है। चाई जी, अब से घर का महीने भर का हिसाब किताब मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तो अब से ये काम आप ही कर लीजिएगा। मैं रिजाइन कर रही हूँ, कहीं फिर आपको मेरे काम में मेरी बनियागिरी टपकती नजर आए। दे दिया तूने इस्तीफा, कल से ये काम कौन करेगा मैं देख लेती हूँ। यही कहना था, यही बोलने आई थी कि कुछ और भी है? हाँ मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। चाई जी मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया है आप पर। मैंने क्या गलत किया अरोरा से पैसे मांग कर? अरे मैंने अपने लिए तो नहीं मांगे थे ना, परिवार के लिए मांगे थे। हम इतनी मेहनत करके शो करते हैं और उसके पैसे भी ना ले, इसमें बनियागिरी क्या है? मैं सब समझती हूँ चाई जी, आपने ये सब सिर्फ इसीलिए कहा है क्योंकि मैं एक गुजराती हूं। कह ली तूने बात जी, पहले ये बता कि तू किन्ने मन आंसू बहा के आई है? तू ना पैरवी बिल्कुल मेरी तरह है, जब तक दिल की बात खुल के नहीं कहती ना, तेरे मन को चैन नहीं आता। पुत्र तूने तेरी बात तो बोल ली, लेकिन मेरी बात तुझे अभी तक समझ में नहीं आई। आ बैठ, इना भी गुसानी कर दे, आ बैठ। पुत्र तेरी गलती ये नहीं है कि तूने पैसे लिए, गलती ये है कि जहां से नहीं लेने चाहिए थे ना
वहां से तूने पैसे लिए। पुत्र, अनाज की बोरियों से ज्यादा कीमत ना आदमी की जुबान की होती है, और मैं अरोरा साहब को जुबान दे चुकी थी कि इस शो के हम पैसे नहीं लेंगे। उनसे पैसे मांग करना, तूने मेरी जुबान दो कौड़ी की नहीं रखी उनके सामने। बरसों की कमाई पे पानी फिर गया, और तेरे कहने पर ये पूरे परिवार वाले 5 मिनट नहीं लगाए मेरी बात को झुठलाने में। चाय जी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज चाय जी, आई एम सॉरी। मैं समझ गई चाय जी मेरी क्या गलती थी। वो महीने के हिसाब किताब की लालच में मैंने बरसों की कमाई पर ठोकर मार दी ना चाय जी, आई एम रियली सॉरी। पुत्र, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। मुझे वो गुजराती बनिया वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, पर क्या करूं, मेरी मुई जबानी फिसल गई। चाय जी जुबान तो मेरी भी फिसल गई थी। मुझे भी आपसे ये नहीं कहना चाहिए था कि हम शो के पैसे नहीं लेंगे। ऐसा कहने से पहले हमसे पूछा था क्या? मुझे माफ कर दीजिए चाय जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए चाय जी। बस बहुत हो गया, माफ आफ। अब करते हैं मिठाई का डब्बा साफ।